माता जय गोपाल, छोटे छोटे बछड़े जो आपके सामने बैठे, आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपके सहयोग से इनके प्राण बचे हैं। जो धन्यवाद मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो कुछ बछड़े प्राण त्यागने के पर थे, लेकिन आपके सहयोग से गौशाला लाए और ये बछड़े आज बैठे हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हो। गौ माता आपके अनुग्रह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। गौ भक्तों, यह सपरा भी किया है, थोड़ी साया भी किया है और जरूरत होती है कभी कभी, तो चार चार दिन चूरी नहीं होती है, फिर तैयार किए हुए बछड़े फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं। और लॉकडाउन 20 तारीख को खुलने वाला था, तो कुछ जो साया करने कारण आइटम लाए थे बाजार से 20 तारीख का बोली करके, वो भी अभी बोली पूरी हो गई है। बीमार गौ माताएं के लिए साया किया था, वो भी अभी बोली पूरी हो गई है, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं और उनको बोली किया तो फ़ोन आना भी जायज़ है। आप सभी दानदाताओं के सहयोग से, और 2 महीना हुआ है, थोड़ा विकट परिस्थिति है ही, आपको पता ही है गौशाला में कभी हरा चारा नहीं आता है। हरा चारा तो छोड़ो, कभी तो 5 5 दिन इन कमज़ोर बछड़ों के लिए, अकेला तो यह सूखा चारा खा नहीं सकते, तो कभी तो 5 5 दिन इसको दाड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। जैसे आप भी गौशाला में कभी आओ तो यह देखना, आप आते हैं भाग दौड़ के आते, यह सोचते कुछ लाए होंगे। तो आप सभी दानदाताओं के सहयोग से ही है, जो भी आपने सहयोग किया, आपका सहयोग से इनके प्राण बचे हैं। और मैं सभी गौ भक्तों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा सभी गौ भक्तों को जोड़ो। और इन बछड़ों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा था, लेकिन ये महामारी आने की वजह से अब संकट पूरी दुनिया में है, लेकिन इतना संकट आएगा यह पता नहीं था। अप्रैल महीने में पहले भी आर्थिक तंगी से परेशान थे, अप्रैल महीने में कथा करवाने के लिए सोच करके बैठे थे कि भाई गौशाला में कथा करवाएंगे, पैसे भी आ जाएगा और कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन तब तक तो यह कोरोना आ गया। या तो गौ माता के नसीब नहीं है, या हमारे सेवा में नसीब नहीं है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। जिससे किसी से कोई उधार अगर दाड़े की बोरी या साया करने के लिए लाए हैं गौ भक्तों, 2 2.5 लाख रुपए गौशाला कर्ज कर लिया है, उनकी बोली पूरी होती है तो कुछ तो गौ भक्त कहते हैं कोई बात नहीं, आप इधर उधर से करवा के देने का करना। कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि हज नहीं आवे तो ले गया करने, वो उनकी भाषा में वो अपने हिसाब से कहते हैं, वो गौ माता को कह रहे हैं हमने तो गौ माता के लिए लाए हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सद्बुद्धि दे भगवान उनको भी। और आप सभी दानदाताओं के सहयोग से इनके बछड़ों के प्राण बचे हैं जो ये आपके सामने है। थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोग करें और दूसरे भी गौ भक्तों को जोड़े। ये सभी बछड़ों का आपको दर्शन करवाया। जय गौ माता, जय गोपाल।